हेलो गाइस, दिस सुधांशु मानते हैं, वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो भाई मैं देख रहा था कि बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ बच्चों को जो मैंने बोला था ग्रेवेंसा का यूजी पीजी सब कुछ फॉर्म निकल चुका है, यूजी का फॉर्म भी निकल चुका है, कुछ बच्चों को फॉर्म मिल नहीं रहा है। वो लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी उनको मालूम नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्म किधर अवेलेबल है, आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कौन सा कोर्सेज़ के लिए फॉर्म अवेलेबल है यूजी कोर्सेज़ के लिए। और मैं आपको दूसरा और एक वीडियो बनाऊंगा, रेवेंसा एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है इस बारी बीएससी पे, बीएससी आईटीएम और आईएसटी पहले हुआ करता था, इस बारी डीएसएम लॉन्च किया है डाटा साइंस मैनेजमेंट। वो डाटा साइंस मैनेजमेंट का मैंने सेपरेटली वीडियो बनाना है मेरे को, मैं इसके बाद ही वो वाला वीडियो ड्रॉप करूँगा। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि क्यों वो डाटा साइंस मैनेजमेंट कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। पहले देख लेते हैं कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे और फॉर्म किधर अवेलेबल है। कल बोला था आप लोगों को कि revensayuniversity.ac.in पे जाना है, उसके बाद जाने के बाद इधर देखो जो एडमिशन लिखा गया है ये एडमिशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इधर देख सकते हो यूजी एडमिशन लिखा गया है, यूजी एडमिशन, उसके यूजी एडमिशन के ऊपर क्लिक करो। इधर देखो आप लोगों का आ गया है यूजी एडमिशन, उसके बाद एमफिल इसका तो दिखा नहीं है पर यूजी एडमिशन का आप लोग देख सकते हो, इधर लिखा है अप्लाई हियर। ठीक है, जो एप्लीकेशन कॉस्ट है रेवेंसा का यूजी फॉर्म फिलअप के लिए वो 500 रुपया है, और ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है 20 तारीख, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी क्लोजिंग हो रहा है 20 तारीख को। ठीक है, और शाम के 5 बजे तक के अंदर आप लोग 20 तारीख का आप लोग पेमेंट कर सकते हो, और एप्लीकेशन क्लोज होगा 11:45 पे। ठीक है, तो इधर अप्लाई हियर पे आप लोग क्लिक करोगे, इधर पहले इस टाइप दिखाएगा एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड। आप लोग अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आप लोग मारोगे इधर इन केस ऑफ न्यू यूज़र क्लिक हियर, इधर आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद ये किस टाइप का आ जाएगा, नीचे जाओ इधर यस मारो, उसके बाद प्रोसीड मारो। ठीक है, प्रोसीड मारने के बाद इधर देखो 3 प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट, उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स रिजर्वेशन वगैरह भरना, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो आप लोगों को फोटो सिग्नेचर अपना मार्कशीट वगैरह भरना, उसके बाद स्टेप 5 जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिलअप कर लिए हो उसका प्रिंटआउट निकालना है। ठीक है, तो इधर देखो सब्जेक्ट्स पे क्या क्या अवेलेबल है, बीए है, बीए बीडी है, उसके बाद बीकॉम है, बीएससी है, बीएससी बीईडी है, उसके बाद बीएससी आईटीएम आईएसटी और डीएसएम। ये जो डीएसएम भाई लोग है, ये जो डीएसएम है ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। बीएससी आईएसटी आईटीएम को छोड़ने के बाद अगर कोई ये बीएससी आईएसटी आईटीएम डीएसएम डाल रहे हो तो डीएसएम भाई नंबर 1 पे डालना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद बीबीए और बीजेएमसी, इतना कोर्सेज भाई आप लोगों का अवेलेबल है। ठीक है, आप इधर अपना पहले कोर्स वगैरह डाल दो, मोबाइल नंबर वगैरह डाल दो, एक पासवर्ड अपना मन के हिसाब से एक पासवर्ड डाल दो, इसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल दो। इधर सबमिट करने के बाद भाई लोग कहाँ पे आ जाओगे, आप ऑनलाइन पेमेंट साइट पे आ जाओगे। ऑनलाइन पेमेंट पे आप लोगों को 500 रुपया भरना है। ठीक है, और पर्सनल डिटेल्स रिजर्वेशन एंड वेटेज डिटेल्स पेमेंट के बाद आएगा। आप पर्सनल डिटेल्स अपना नाम, घर किधर है वो सब कुछ भरोगे। वो भरने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है आपका जो सर्टिफिकेट्स है, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, फोटो सिग्नेचर, ये सब कुछ भरना है। उसको सबमिट करने के बाद फाइनल पेज पे आप लोगों को पहुंच जाओगे, और फाइनल पेज को आप लोगों को प्रिंटआउट करके पास में रखना है। एडमिशन ख़त्म होने तक वो पेज को आपके पास ही रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ मैं बोल दूँ, ये जितना अगर आप बीए बीडी के लिए डालोगे तो 500 रुपया दोगे, उसके बाद बीकॉम अगर तुम अगर चाहते हो कि मैं 3 कोर्सेज डालूं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बीएससी बीएससी और बीकॉम, आप अगर बीएससी बीबी और बीकॉम 3 कोर्स डालना चाहते हो तो आप लोगों को 1500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। एक ही कोर्स के लिए ये लोग 500 रुपया लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, बाकी जब आप अलग अलग डालोगे तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग चार्जेस है, वही 500 रुपया 3 बार आपको देना पड़ेगा अगर आप 3 कोर्स डाल रहे हो। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो मैं बोलूँगा ये डीएसएम के बारे में, रेवेंसा जो न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो।